दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस घंटे के बटन को जरूर दबाना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 अमेजिंग मोबाइल फंक्शन बताने वाला हूं जिनको सीखने के बाद आपको मजा आने वाला है। थर्ड नंबर का जो फंक्शन है यानी कि ट्रिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रिक है स्लीप टाइमर इन नोटिफिकेशन बार। अब दोस्तों तीनों ट्रिक बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, इसको मैं बहुत ज्यादा फास्ट करने वाला हूं वीडियो को, इसलिए दिमाग से ध्यान लगाकर आपको ये तीनों ट्रिक सीखनी है। अब दोस्तों नोटिफिकेशन बार में स्लीप टाइमर है ना, फर्स्ट ट्रिक है। अब यहां पर आप देख सकते हो मेरे नोटिफिकेशन बार में स्लीप टाइमर आ रहा है। आपके मोबाइल में ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और किसी के मोबाइल में भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप स्लीप टाइमर अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में कैसे लाएंगे और इसका यूज क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, बहुत अल्टीमेट फंक्शन है दोस्तों इसका। यदि आप इसको अपने मोबाइल में सेट कर लेते हो आप इसको देखकर चौंकने वाले हो। सबसे पहले आपको क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, स्लीप टाइमर। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से ही काम नहीं होगा, कुछ इसकी सेटिंग है, इसका फंक्शन समझना है पहले आपको, ठीक है? इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्लीप टाइमर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यदि आप यहां पर कोई भी टाइम सेट कर देते हो और इसको स्टार्ट कर देते हो तो इसको स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, जितना भी टाइम आप यहां पर सेट करेंगे उसके बाद इतने टाइम के बाद आपके मोबाइल से म्यूजिक ऑफ हो जाएगा। इसको आप स्लीप यानी कि सोते टाइम में अपना टाइम सेट करके इसको छोड़ सकते हो गाना बजाकर, और इतने टाइम के बाद ही आपका टाइम जो है म्यूजिक का बंद हो जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन बार में कैसे लाएंगे, क्योंकि बार बार तो आप एप्लीकेशन खो नहीं सकते, आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से यूज करना है मोबाइल। आप अपने मोबाइल में कुछ भी चलाना, कहीं पर भी म्यूजिक चलाना, वो इतने टाइम के बाद जो है आपका गाना बंद हो जाएगा। इसको आप सोते समय यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अब आप इसको अपने नोटिफिकेशन बार में कैसे लाएंगे, जैसे मैंने यहां पर ला रखा है स्लीप टाइमर, इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की साइड 3 डॉट पर यहां पर क्लिक करना है। ओके, यहां पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक सेटिंग करनी है अपने मोबाइल में, बटन ऑर्डर वाली। ओके, बटन ऑर्डर में जाना है। अब यहां पर नीचे की साइड जो ये वाली कॉलम आ रही है, यहां पर आपको स्लीप टाइमर के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां से आपको इसको होल्ड करके स्वाइप करना है ऊपर की साइड, और यहां पर इसको छोड़ देना है, और इसके बाद आप इसको डन कर देना है, ठीक है? अब क्या होगा, आपको एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं बार बार, बस यहीं पर ही आप नोटिफिकेशन बार से इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद इसकी जो फंक्शन है वो चालू हो जाएगा काम करना, और आप यहां पर कुछ भी टाइम डालकर म्यूजिक का बंद करने का सो जाएंगे, ठीक है? तो है ना कमाल की। अब दोस्तों म्यूजिक तो हमने ऑटोमेटिक बंद कर दिया इतने टाइम के बाद, लेकिन सेकंड ट्रिक है कि इंटरनेट भी बंद करना है हमें। जिस टाइम पर हम सो रहे हो उस टाइम पर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए हमारा इंटरनेट, है ना, जिससे कि जो है हमारे मोबाइल की बैटरी भी बचे और सब कुछ बचे। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एक डेटली, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, डेटली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जो भी परमिशन मांगेगी आपसे वो आपको अलाउ कर देनी है, मैंने ऑलरेडी रखी है। और यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी बैड टाइम मोड, आपको बैड टाइम मोड वाली सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर वो टाइम सेट कर देना है अपना जिस टाइम पर आप सोते हो और जिस टाइम पर आप उठते हो। जैसे कि मैं रात के 11 बजे से 6 बजे तक सोता हूँ दिन के, ओके, तो इस टाइम में मैं नहीं चाहता कि मेरा इंटरनेट जो है चले, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं सो जाऊँ 11 बजे ऑटोमेटिक ही बंद हो जाए इंटरनेट मेरे मोबाइल से। तो आप यहाँ पर सेटिंग को ऑन कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको, और आपकी सेकेंड ट्रिक आपके मोबाइल में काम करने लग जाएगी। तो है ना दोस्तों एक बड़े कमाल की ट्रिक। अब तीसरी ट्रिक ध्यान से देखना, अब दोस्तों थर्ड ट्रिक है अमेजिंग टाइल्स। अब ये क्या है, ये एक तरह की सेटिंग है, ये कैसे आएगी आपके मोबाइल में और क्या इसका फंक्शन है वो भी आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। ओके दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, अबाउट फोन वाली सेटिंग में चले जाना है, अबाउट फोन वाली सेटिंग में चले जाना है, सबसे नीचे की साइड से मिल जाएगी। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाली सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर मिलेगा या MI वर्जन नंबर मिलेगा, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग नंबर होगा। यहाँ पर 7 बार दबाना है आपको, 1 2 3 4 7। ओके, इसके बाद 7 बार दबाने के बाद आपके मोबाइल में एक अलग से नई सेटिंग आ जाएगी, या तो आप एसेसिबिलिटी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नाम की एक नई सेटिंग आएगी, डेवलपर ऑप्शन, या फिर मोबाइल के सबसे नीचे
है ना, जहाँ पर सेटिंग खुलती है वहाँ पर सेटिंग के सबसे नीचे ही डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे, इसको ऊपर से ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग ढूंढनी है जिसका नाम होगा क्यूक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। ओके, इस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी टाइल्स मिलेगी आपको, जैसे कि पावर सेविंग, सिंक्रोनाइजेशन, है ना, सो लेआउट, बाउंड्रीज, जीपीयू रेंडरिंग और ये एक्सेट्रा। लेकिन आपको करना क्या है, जो भी आपके यूज की सेटिंग हो, जैसे मेरे यूज की सेटिंग है प्राइवेट मोड और स्क्रीन सेवर, ओके, आप इनके सभी को यूज करके देख लेना। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात यह है, जैसे मैंने स्क्रीन सेवर सेटिंग ऑन कर दी, लेकिन ये सेटिंग ऑन करके हुआ क्या और ये इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे सेटिंग को यूज? सबसे बड़ी बात यह है, आपको वहाँ से सेटिंग ऑन करनी है। अब आपको नोटिफिकेशन बार में आना है, ऊपर के साइड से जो तीन डॉट है और यहाँ से निकालना है बटन ऑर्डर वाले सेटिंग। बटन ऑर्डर वाले सेटिंग निकालने के बाद स्क्रीन सेवर की सेटिंग जो हमने ऑन करी वहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगी नीचे की साइड। ओके, यहाँ से फिर आपको वही करना है, यहाँ से पकड़कर इसको ऊपर की साइड छोड़ना है। ओके, और यहाँ पर ऊपर की साइड छोड़ने के बाद आप इसको ऊपर से डन कर देंगे। ओके, अब यहाँ से डन करने के बाद आप देखेंगे आपके नोटिफिकेशन बार में एक नई सेटिंग ऐड हो जाएगी स्क्रीन सेवर के नाम से, या जो भी आप वहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाकर जो भी सेटिंग ऑन करेंगे अपने यूज के लिए, है ना, जैसे वहाँ पर प्राइवेट मोड वाली सेटिंग भी है, उससे आप अपने मोबाइल को प्राइवेट मोड में यूज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने मोबाइल का डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन बार से स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो उसको, तो है ना बड़े कमाल की। तो वीडियो को लाइक करना बनता है दोस्तों, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।